हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है तीसरी काउंसलिंग के लिए। देखिए कब कराई जा रही है ये तीसरी काउंसलिंग। इसके लिए आप देख सकते हैं, बने रहें वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे तीसरी काउंसलिंग की अपडेट आप तक समय पर पहुँचती रहे। देखिए इसमें जो दूसरी काउंसलिंग हुई है उसके बारे में चलिए देख लेते हैं, क्या कितने अभ्यर्थी पहुँचे हैं और कहाँ कहाँ कितने अभ्यर्थियों को लिया गया है। और बाकी तीसरी काउंसलिंग के लिए भी अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी हम उसको देखेंगे तीसरी काउंसलिंग के बारे में। पहले हम दूसरी काउंसलिंग के बारे में थोड़ा विचार करते हैं। देखिए प्राथमिक शिक्षा में 1501 बेसिक शिक्षक चयनित, इसमें 1501 शिक्षक मिल चुके हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 1501 कितने मिल चुके हैं, 1501 शिक्षक मिल चुके हैं। अब 2904 कुछ पद हैं, उसके लिए लगभग आधे पद भरे जा चुके हैं, आधे पद रह गए हैं। अभी लगभग इसमें दो काउंसलिंग और होंगी, उसमें ये पूरे पद जो भी भर्ती रह गई हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा। इसलिए आप अपनी अच्छी तरह से जो भी काउंसलिंग हो रही है सभी में जिसका भी नाम आता है काउंसलिंग कराने जरूर जाइए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने नहीं जा रहे हैं, उनके मनपसंद जिले नहीं मिल रहे हैं तो छोड़ दे रहे हैं। ऐसे छोड़ना बेकार है, क्योंकि अब काउंसलिंग के लिए दुगने अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। यदि आप नहीं पहुँचते हैं तो आपकी जगह उनको सीट दे दी जाएगी। आपके चाहें आपका स्कोर चाहें उनसे अधिक है फिर भी उनको सीट दे दी जाएगी, क्योंकि आप पहुँचे नहीं हैं। देखिए इसमें क्या गया है, प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के लिए रविवार को दूसरे चरण की काउंसलिंग हुई, जिसमें 1028 अभ्यर्थी शामिल हुए। कितने हुए, 1028 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। आगे इसमें कहा गया है, शामिल हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने के मुताबिक अब तक 1501 शिक्षकों का चयन कर लिया गया है। कहा शेष पदों को भरने के लिए फिर से काउंसलिंग की जाएगी। देखिए यहाँ पर तीसरी काउंसलिंग होने वाली है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने के लिए ये पद जितने भी हैं सभी को भरा जाएगा। इसमें कहा गया है शेष पदों को भरने के लिए फिर से काउंसलिंग होगी, क्योंकि शेष पदों को भरने के लिए फिर से काउंसलिंग होगी। आगे इसमें क्या कहा गया है देखते हैं। इसमें कहा गया है शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनपद स्तर पर आयोजित बेसिक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में अब तक दो चरणों की काउंसलिंग हो चुकी है। बताया पहले चरण की काउंसलिंग में 473 अभ्यर्थी, जबकि दूसरे चरण में 1028 अभ्यर्थियों को चयन कर लिया गया है। आगे देखते हैं, जिसमें पौड़ी जनपद में 179, चमोली में 285 और रुद्रप्रयाग में 38, टेहरी में 135, उत्तरकाशी में 57 और देहरादून में 26, हरिद्वार में 97, नैनीताल में 95, अल्मोड़ा में 42, बागेश्वर में 68, चंपावत में 11 शिक्षकों को नियुक्ति मतलब काउंसलिंग में लिया गया है। इनको जल्द ही नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलने वाला है। आगे इसमें कहा गया है, आगे देखिए इसमें कहा गया है, प्रदेश के 13 जनपदों में रविवार को प्राथमिक सहायक अध्यापक के रिक्त 2433 पदों के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग में 1028 अभ्यर्थी शामिल हुए। सबसे अधिक 228 चमोली में और 210 उधमसिंह नगर में काउंसलिंग में शामिल हुए। सबसे कम 9 अभ्यर्थी चंपावत में और 12 अभ्यर्थी अल्मोड़ा जिले में काउंसलिंग में शामिल हुए। अब दो दौर की काउंसलिंग के बाद में स्थिति साफ हो चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है कि कितने अभ्यर्थियों को और लिया जाना है। आगे कहा गया है, इसमें शिक्षा मंत्री ने तीसरे दौर की काउंसलिंग के निर्देश दिए हैं। देखिए तीसरे दौर के निर्देश दिए जा चुके हैं, अभी देखते हैं इसमें क्या है अपडेट। इसको देखने से पहले थोड़ी सी अगले की अपडेट हम देखते हैं कि क्या अपडेट है इसमें। देखिए रविवार को 13 जनपदों में क्या हुई थी, परीक्षा काउंसलिंग कराई गई थी और इस काउंसलिंग में आपके अभ्यर्थियों को या 1028 अभ्यर्थियों को चुन लिया गया है। 1405 रिक्त पदों के लिए तीसरे दौर की काउंसलिंग होगी, बाद में जारी तिथि होगी, जो तिथि जारी की जाएगी आपकी कब तिथि जारी की जाएगी इसके लिए आप बने रहें। और देखिए इस पर आगे क्या कहा है, आगे भी आप जरूर देखिए अपडेट क्या कही गई है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी भी अपडेट आपको जरूर देखना है इसके बारे में। इसमें कहा गया है जिलेवार दूसरी काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी देखिए कितने कितने पहुँचे थे, यहाँ पर सब दिया गया है। आगे इसमें देखिए देखते हैं हम क्या कहा गया है इसमें। देखिए यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने तीसरे दौर की काउंसलिंग के निर्देश दिए, तो निर्देश दे दिए गए हैं तीसरी काउंसलिंग के लिए। धन सिंह रावत ने शेष रिक्त 1405 पदों को भरने के लिए विभागीय अधिकारियों को तीसरे व चौथे चरण की काउंसलिंग के निर्देश दिए हैं। देखिए तीसरे और चौथे चरण की भी काउंसलिंग यहाँ की जाएगी। देखिए दो काउंसलिंग हो गई और दो काउंसलिंग आपकी और की जाएंगी, जिससे सभी पदों को समय पर भरा जा सके। उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में
सभी जनपदों में बेसिक शिक्षकों के कुल 2906 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी। उनको भरने के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसके सापेक्ष प्रदेश भर में एक से अधिक जनपदों में आवेदन किया है, जिस कारण आवेदकों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस बार सभी जनपदों में एक साथ काउंसलिंग होने से क्या किया गया है कि बहुत से अभ्यर्थी, एक से अधिक अभ्यर्थी ने एक से ज़्यादा दिल चुने हैं, तो उनको सीटें खाली रह गई हैं, उनके लिए काउंसलिंग कराई जाएंगी अभी। और इस बार सभी जनपदों में एक साथ काउंसलिंग होने से अभ्यर्थियों को दूसरे जनपद में काउंसलिंग में जाने का मौका नहीं मिला है, जिस कारण दो चरणों की काउंसलिंग के बावजूद लगभग 50% अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है। अभी लगभग दो काउंसलिंग आपकी और हो पाएंगी। देखिए, दो काउंसलिंग और की जाएंगी, इसके लिए आप बने रहें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको तीसरी और चौथी काउंसलिंग के बारे में समय पर अपडेट मिलती रहे। जय हिंद।